दोस्तों यहाँ से सबने माथा टेक दिया है और हमारी परिक्रमा स्टार्ट है ना। तो यहाँ से चलेंगे हम, अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइनली हमारी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ से लेट करके 4-5 कदम आगे चलते हैं और फिर अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाओ भाई, एक बार कर लिया। दोस्तों देखिए अभी रात के कितने, अभी रात के कितने 12 बज चुके हैं और हमने स्टार्ट कर लिया है। और भीड़ काफी ज्यादा हो रखी है आज, आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है ना। जय दोस्तों ये देखिए वो सामने गोलू जा रहा है और वो भैया जा रहे हैं। चलते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है, हमने कम से कम कवर कर लिया होगा तो आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर हमने कवर कर लिया होगा। और ये अब एक छोटा सा मंदिर पड़ा हुआ है, गोलू कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और पैरों का? पैरों की तो पैर देंगे। अच्छा अभी कितना चल चुके हैं हम पता है? हम 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं। सच में लगा नहीं मेरे को, उससे ज्यादा ही चल चुके होंगे। और अभी पता है ना कितना और चलना है? 19 किलोमीटर और। अभी 19 किलोमीटर और। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर आगे, अब चलते हैं हम, हमें बहुत चलना है अभी तो। वो क्या लाइट क्या कह रहा बोलू?
चलते जा रहे हैं दोस्तों, चलते जा रहे हैं। ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है ये तो। अभी हमें बहुत चलना है यार, अभी तो 3 किलोमीटर हुए। अरे 3 तो हो चुके, तू बार बार 3 ही बता रहा है। ये 3.5 4 हो चुके, 4-5 किलोमीटर हो चुके। चलो दोस्तों, ये देखिए श्री जुगल बिहारी जी का मंदिर, और ये बाबा लोग बैठे हुए हैं, और ये रहा हमारा गोलू। हाँ तो गए भैया, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा है, पेट भरा पड़ा है। अच्छा, और पैर मस्त जवाब दे रहे हैं, एनर्जी फुल है। क्या जवाब दे रहे हैं पैर? क्या जवाब दे रहे हैं? और कर। चलो ठीक है, देख। अरे गोलू तो फुल मस्ती में। देखो गोलू वैसे वो कहते हैं ना, जो पहली बार आते हैं वो ढंग से करके जाते हैं। गोलू का पहली बार है, गोलू का फर्स्ट बार है, सुबह सोता हुआ जाएगा ये। और मेरा सेकंड टाइम है, और भैया का तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम, मज़ा आ रहा है बहुत। थोड़ी देर बाद ऊपर चलो आई, ऊपर थकावट हो रही है बट बोलो थोड़ी बहुत तो हो ही रही होगी, हो रही है। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी भाई, थोड़ी बहुत तो थकावट होगी क्यों भैया। हाँ अब इतना चलेंगे थोड़ी बहुत तो होगी ना थकावट। यार देखो जब बिल्कुल नहीं चलते और जब एकदम से चलना पड़े तो थकान तो होगी, इट्स नॉर्मल, मैं ही कह रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टाइम आपने राधे राधे सही आ गए, राधे 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 ए गोलो राधे राधे ए गोलो राधे 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 शाम मिला। आप ऊपर जा सकते हैं, कोशिश तो करेंगे। नहीं जाने को जा सकते, जाने में क्या दिक्कत है, हटो ना भैया वीडियो बन रही है। अब तुम चल दो, मैडम ने कहा था ना तुम अपना कारवाई स्टार्ट रखो, दुनिया तुम्हारी बीच में। दोस्तों यही है वो पर्वत, कैसा गोवर्धन का युग कन्हैया जी अपनी उंगली को उठाया था। देखो गाइस कैसे है आगे पत्थर और ये लोग चढ़ रहे हैं, गाइस देखो ये लोग कितने पीछे रह गए, मैं कितना आगे निकल गया, सच अ नूब गाइस दे आर। अभी अपनी फोटो, अबे मत्था टका, मंदिर चालू रहता है, ऐसी बात नहीं है, अंदर कहीं सो रहे हैं।
मंदिर रहता है अपने साथ। से जल रहे, बल्ब से जल रहे। दोस्तों ये देखो हम पर्वत के ऊपर हैं अभी, और अभी तो भी ऊपर है पर्वत, मंदिर के पीछे की तरफ। और पूरा पर्वत बहुत लंबा फैला हुआ है ये, इतना मुश्किल नहीं था इतने पत्थर में चढ़ने। ये हम उधर से चढ़ के आए हैं, मतलब मैंने पहली बार किसी ना तो मैंने किसी को चढ़ते हुए देखा। मैं भी आया पहली बार, मैंने भी कभी किसी को नहीं देखा। मैं पहली बार ही चढ़ा हूं। मैं भी मैं बोलूं ना चढ़ सकते नहीं चढ़ते, मैंने मना वना तो नहीं होगा। हमने कहा चल दिया, चलो ठीक है सर, ऑफर कर देना भगवान को, इधर साइड में गिरा देना, इधर कर दो राइट साइड में। और भैया आ गए पर्वत के ऊपर, बिल्कुल यार अब जलेबी खाएंगे महाराज। और थक चुके हैं, गोवर्धन गिरिराज पर्वत के ऊपर, और दोस्तों पुराना मंदिर था वहां पर हम बैठे हुए हैं। ये देखिए यहां के पत्थर, जतिपुरा गांव के पास में। और दोस्तों ये तो नहीं पता था कि यहां पर आते हैं या नहीं आते, लेकिन अगर ऊपर आना मना होता ना तो वहां पर बंद होता, हम तो आ गए भगवान श्री कृष्ण की जैसी इच्छा, अब आके बैठ गए। अब हमने खरीदी थी वहां से, जतिपुरा गांव की ना जलेबी बहुत फेमस है, तो हमने वहां से जलेबी खरीदी थी। ठीक है दोस्तों हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं, पूरा 10 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ। अभी बचा है काफी, अभी तो बहुत बचा है। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हमारी जो पहली बड़ी परिक्रमा थी 12 किलोमीटर वाली, उसका फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर लिया है ना, और वो कंप्लीट हुई है यहाँ से। ये सामने रोड दिख रहा है ना, हाँ, इस रोड से बाहर निकल के आए हैं। और एंट्री जो की थी ना हमने, वो वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है ना, हाँ, उस मंदिर पे जो कलरफुल लाइट दिख रही है उसके सामने से रास्ता था, वहाँ से हम एंटर किए थे। कितना टाइम हो रहा है? 3:19 और हमने लगभग 12 बजे वहाँ एंट्री की थी, तो लगभग 3 घंटे 19 मिनट में हमने बड़े आराम से अपनी 12 किलोमीटर की पहली बड़ी परिक्रमा हमने कम्प्लीट कर ली। अभी हमारी छोटी परिक्रमा बची है जो कि है 9 किलोमीटर की, है ना, तो करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगी होपफुली मॉर्निंग तक, है ना। और अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी कुंड वगैरह दिखाएंगे आपको, राधा कुंड दिखाएंगे, राधा कुंड, हाँ, जहाँ पे हमें स्नान कहाँ पे करना है वो है वो मानसी गंगा, हाँ, मानसी गंगा में हमें स्नान भी करना है, हनुमान जी का मंदिर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं, अभी चलते हैं अपनी छोटी परिक्रमा के लिए। दोस्तों ये देख रहे हो ना, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं भैया बताओ जल्दी? ये राधा कुंड है। तो दोस्तों हम राधा कुंड पहुंच चुके हैं, राधा रानी कुंड, राधा रानी कुंड। और हमारा अभी 5 किलोमीटर का अंतिम पड़ाव पड़ा बचा हुआ है, और पैरों ने जवाब दे दिए। हम टोटल 17 किलोमीटर चल चुके हैं दोस्तों, और ये देखिए, लेकिन राधे राधे नाम के सारे, है ना, राधे राधे श्याम मिला दे इस नारे के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये राधा रानी कुंड है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दीपक जला करके पुष्पांजलि करते हैं, है ना, पुष्प प्रवाहित करते हैं, और कुछ लोग स्नान भी करते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो टीम है वो उधर है, सीके उधर ही गया है ना। तो ये पूरा राधा रानी कुंड है, काफी सुंदर दिख रहा है। और अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, हाँ, और 5 बजे हम यहाँ पे हैं। मे भी हमें खत्म करने में 7 बजे तक हम खत्म कर देंगे 5 किलोमीटर भी, काफी लेट हो गया, लेकिन पैरों में भी दर्द होने लग गया यार। दोस्तों भीड़ देखो, दोस्तों तुम भीड़ कितनी है, दोस्तों देखो नहा भी रहे हैं लोग। ये देखिए नहा भी रहे हैं लोग, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो यार सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, नाइट हो रही है, और अभी भी हमें यार 3.5 किलोमीटर अभी हमें और चलना है यार। पैरों की तो हालत खत्म हो चुकी है बिल्कुल। भैया पैरों में कैसा दर्द है? चलो ना यार, तो पैरों की हालत पूछे तू यार, अब तू पहुंचने दे उसके बाद बताएंगे। बस यार अभी फिर हमें
साढ़े तीन किलोमीटर और चलना है, उसके बाद देखते हैं फिर घर भी जाना। अच्छा है। वो भी तो करना है क्या? प्रेस भी तो होना है, ये भी होना यार अभी तो। दोस्तों ये सारा मथुरा है, ये देखो ये दवाइयाँ वगैरह बिकती रहती हैं। दोस्तों अभी तक हमारी ये खत्म नहीं हुई है परिक्रमा, अभी तीन किलोमीटर और बचा हुआ है। अरे भैया की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है, अरे पैर देखो कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं यार। वही है ना, आ चुके हैं हम कहाँ पे, मानसी गंगा के पास। ये देखिए जरूरी आइटम तो ले लो भाई, परिवार ही यार लेना तो यार। बना लिया, आ जाओ यार। ये भी तो बताना जरूरी है ना कि तेरी हालत कैसी है, बाहर निकलते निकलते ले। खत्म हो चुकी है दोस्तों, फाइनली गेट आ गया। परिक्रमा परिक्रमा समाप्त का बोर्ड दिखा दे ले, यहीं पे खत्म।